प्रिय मित्राणि, नमो नमः। सुस्वागतम अस्मिन् कक्षायाम्। आज हम लोग किरातार्जुनीयम् के प्रथम सर्ग का अध्ययन, जहाँ से कल हमने छोड़ा था, आज पुनः वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने वाचन किया था प्रथम श्लोक का, जो श्रियः शब्द से प्रारंभ है महाकाव्य किरातार्जुनीयम का। कभी कभी पूछा जाता है कि किस शब्द से प्रारंभ है, तो श्रियः शब्द से प्रारंभ किया गया है। मंगलाचरण इसका किस प्रकार का है, तो मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। आज हम एक बार पुनः उसका वाचन करेंगे और उसके बाद में फिर समझने का प्रयास करेंगे। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गि विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गि विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। कुरूणाम् अधिपस्य श्रियः पालनीं प्रजा सुवृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्तः वर्णिलिङ्गि सः वनेचरः विदितः शन द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययौ। देखिए, इस जो श्लोक है इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। कल वंशस्थ इस पर चर्चा भी हुई थी कि जो श्लोक है 1 से 44 तक का जो श्लोक है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का, इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। तो पहले वंशस्थ छंद के विषय में थोड़ा जान लें, इसके लक्षणों को देख लें। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। जतौ तु वंशस्थ उदीरितम जरव, अर्थात जहां पर जगण और तगण होते हैं और जगण और रगण क्रम से आते हैं, वहां पर वंशस्थ छंद माना जाता है। पहला श्लोक क्या है, श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीम्। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीम्। अब देखिए, इसकी पंक्ति में हम वंशस्थ छंद के लक्षणों को देखते हैं। श्रियः पहला क्या है, जगण, जगण तगण, फिर जगण और रगण। जगण बनता है किसमें, जबान में, ये जगण है। तगड़ में ये बनता है और रगड़ में
ये हो गया जगड़। श्रियः कुरूढा मदिपश्य पालनीम में जब हम छंदों की मात्राओं की गणना करते हैं तो इसमें जतौ यानी जगड़ और तगड़, फिर जरौ, जगड़ और रगड़, हमें इनका प्रयोग दिखाई देता है, इसलिए इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ का लक्षण हमने लिख दिया है, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। और इसमें जो यति होती है वह चरणांत यति होती है, चार चरण होते हैं इसमें, चरण चार होते हैं और यति जो है वह चरणांत होती है। चरणांत मतलब चरण के अंत में ही यति होती है, बीच में यति नहीं होती है। जैसे जब हम श्लोक का वाचन करेंगे तो इसको फिर से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। श्रियः कुरूढा मदिपश्य पालनीम, अब यहाँ बीच में कहीं पर भी यति नहीं है, लेकिन जहाँ चरण का अंत हुआ वहाँ पर यति है, इसी को चरणांत यति कहते हैं। श्रियः कुरूढा मदिपश्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम श्रवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। कुरूणाम अधिपश्य श्रियः पालनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्तः वर्णिलिंगी शः वनेचरः विदितः सन् द्वैत वने युधिष्ठिरं समाययौ। कुरूणाम कुरु जनपदस्य ये वासिनः तेषां कुरूणाम, यानी कुरु जनपदों के जो क्या हैं अधिपश्य, कुरूणाम अधिपश्य राजा शासक, जो कुरु जनपदों के शासक हैं अर्थात कौरव अर्थात दुर्योधन, तस्य अधिपश्य है यानी राजा का षष्ठी विभक्ति है इसमें, यानी कुरु जनपद का स्वामी कौन था दुर्योधन, उसकी क्या जानने के लिए। श्रियः पालनीम वृत्तिम, श्रियः राज्य लक्ष्मी, जो उसकी राज्य लक्ष्मी थी उसका पालन पोषण करने वाली जो संरक्षिका थी, राज्य लक्ष्मी की जो संरक्षिका क्या वृत्ति, वृत्ति मतलब व्यवहार, वृत्ति मीन्स व्यवहार, राज लक्ष्मी को पालन करने का जो व्यवहार था यानी उसकी जो नीतियां थी उस नीति को वेदितुम जानने के लिए। कुरूणाम अधिपश्य श्रियः पालनीम वृत्तिम वेदितुम, किसके विषयक प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा विषयक जो दुर्योधन का व्यवहार था उसको जानने के लिए। यम अयुंक्तः, यम जिसको अयुंक्तः नियुक्त किया था, किसने नियुक्त किया था, महाराज युधिष्ठिर ने। कुरु जनपदों के शासक अर्थात दुर्योधन की प्रजा पालनी वृत्ति को, प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा। सवर्णिलिंगी, वर्णिलिंगी, वर्णिलिंगी वर्ण का मतलब होता है ब्रह्मचारी, वर्णी ब्रह्मचारी, लिंगी मीन्स होता है चिन्ह, तो ब्रह्मचारियों का चिन्ह क्या है, जटाजूट कमंडल, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, विद्या अध्ययन करने वाले, यह ब्रह्मचारी होते थे। तो जो वनेचर था, जो किरात था, जिसको इन्होंने नियुक्त किया था, वह किसके वेश में गया था जानने के लिए, ब्रह्मचारी के वेश में, वर्णी लिंगी, इसीलिए उसको कहा गया है
वर्णी मतलब ब्रह्मचारी, लिंगी मतलब चिन्ह धारण करने वाला, वह गुप्तचर जिसने ब्रह्मचारी के चिन्ह को धारण कर रखा था, वह विदितः सन क्या विदितः प्रजापालनीम वृत्तिम विदितः सन, प्रजा विषयक व्यवहार को जान करके ज्ञात करके और समायय आया किसके पास, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, कहाँ द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास प्रजापालन विषयक वृत्ति को जान करके, किसके प्रजापालन विषयक वृत्ति को जान करके, कुरुणाम अधिपश्य कुर जनपदों के जो स्वामी थे अर्थात दुर्योधन के प्रजापालन वृत्ति को जान करके आया, कहाँ आया द्वैत वन में आया। इस चीजों को ध्यान दीजिए कि किस वन में युधिष्ठिर रह रहे हैं, द्वैत वन में। कौन गया था जानने के लिए दुर्योधन का समाचार को, वनेचर। किस वेश में गया था, वर्णलिंगी के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में। ऐसे छोटे छोटे बात प्रश्न आते हैं तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। वह वापस कहां पर लौट के आया, महाराज युधिष्ठिर के पास कहां पर आया, द्वैत वन में आया। क्या जान करके आया, प्रजापालन वृत्ति को जान करके आया। तो ये जो था प्रथम श्लोक का आपका व्याख्या थी। इसमें अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। आगे अगला देखिए। कृत प्रणामस्य महीम महीम भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य महीम भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महीम महीभुजे निवेदयिष्यता तस्य मनः न विव्यथे। क्यों, क्योंकि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुम न इच्छन्ति। कृत प्रणामस्य, प्रणामः कृतः, किसने, वनेचरेन, वनेचर ने किसको प्रणाम किया, सपत्नेन जिताम महीम महीभुजे, ऐसे महीभुज को, ऐसे महाराज को, जिनकी मही को, जिनके राज्य को जिताम जीत लिया, किसने, सपत्नेन शत्रुओं ने, ऐसे महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया जिनके राज्य को उनके शत्रुओं ने जीत लिया था। और प्रणाम करने के बाद निवेदयिष्यतः तस्य मनः, निवेदन करने में, क्या निवेदन करने में, जो वह समाचार जान करके आया था उसको निवेदन करने में, तस्य मनः उसका मन, किसका मन, वनेचर का मन, किसका मन, वनेचर का मन, न विव्यथे जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। विव्यथे विचलित होना, संकोच करना, झिझक होना, तो उसमें जरा सा भी या दुखी होना, व्यथित होना, उसी को विव्यथे कहा जाता है। जरा सा भी उसका मन विचलित या दुखित या क्षोभित नहीं हुआ कि इस बात को मैं कहूँगा तो महाराज को दुख होगा, या इनके सामने दुर्योधन की मैं बड़ाई कैसे करूँ, उसके अच्छी बातों को मैं कैसे बताऊँ, उसकी बुराई ही करूँ तभी ये खुश होंगे, तो इस प्रकार का भाव उसके मन में जरा सा भी नहीं आया। उसने ठीक उसी प्रकार का समाचार उनको दिया जैसा उसने वहाँ पर देखा था। क्यों, क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, न ही प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, प्रवक्तुम इच्छन्ति हितैषिणः प्रियं न, ऐसी बात नहीं है, मृषा प्रियं न प्रवक्तुम इच्छन्ति हितैषिणः, क्योंकि जो हितकारी व्यक्ति होते हैं, जो हितैषी होते हैं, जो हित चाहने वाले होते हैं, वह कभी भी अपने स्वामी को खुश करने के लिए चिकनी चुपड़ी बात
नहीं करते, वह हमेशा उसके हित की बात करते हैं, उसका प्रिय बोलते हैं, प्रिय चाहते हैं, लेकिन मृषा प्रिय प्रवक्तुम न इच्छन्ति, लेकिन असत्य हो, झूठा हो, लेकिन कर्ण प्रिय हो, ऐसा वो बोलना नहीं चाहते। तो वनेचर जो था वह महाराज युधिष्ठिर का विश्वसनीय सेवक था, वह उनका हित चाहने वाला था, वह उनका कल्याण चाहने वाला था, इसीलिए उसने चिकनी चुपड़ी बात करके उनको खुश करना उचित नहीं समझा। उसने जो सत्य बात थी उसको बेझिझक निःसंकोच होकर के कहा, क्योंकि जो हितकारी होते हैं वह असत्य प्रिय बोलने की इच्छा कदापि नहीं करते। एक बार फिर से इन दोनों श्लोकों का हम उच्च वाचन करेंगे, क्योंकि वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहिते शिणः प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहिते शिणः। और इसमें अब व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, वंशस्थ छंद है, और विस्तृत व्याख्या इसकी हो ही चुकी है। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी तो उसको कमेंट करके बताइएगा, उसको फिर से आपका समाधान उसका किया जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट करें। जय श्री राम, नमो नमः।